भदोही जिला के मऊरामसाला गांव में संगीता देवी सहित 62 परिवार के लोगों के यहां शौचालय न होने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं केशा देवी, ये है मेरा समुदाय। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? कुल 22 लोग हैं। आपके यहां शौचालय बना है? नहीं। आप शौच के लिए कहां जाती हैं? शौच के लिए बाहर जाते हैं। बाहर जाने से जो है जाते हैं तो जहां महिला जाती है वहां पुरुष भी जाते हैं। लैट्रिन करने में दिक्कत हो जाती है, जब उठते हैं तो जो है मतलब सड़क मारा लैट्रिन जब नहीं होती तो जो है पेट में गैस बन जाता है और बहुत सी बीमारी हो बन जाती है। बारिश जब होती है तो कीचड़ में मतलब कीचड़ अगल बगल हो जाता है, लैट्रिन सेट्रिन बाहर आता है, गड्ढा गुड्ढी में जो है मतलब जाते हैं तो पैर छटक जाता है, तो हाथ पैर टूट जाता है, दिक्कत हो जाती है। आपने शौचालय पाने के लिए कोई प्रयास किया? हाँ, प्रयास किए हैं। जो है हमारे ससुर जी प्रधान के पास गए थे, वो लोग जो है मतलब वहाँ कहें शौचालय के लिए, वो लोग कुछ बोले नहीं। हमारे यहाँ शौचालय न होने से सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि बारिश के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में जब आता है तो डर लगा रहता है कि कोई बाहर जा रहा है, महिलाएँ घर की बहू बेटियाँ, तो सांप और कई तरीके के जो जहरीले जानवर हैं उनका भय रहता है कि भाई काट लेने से उनकी मृत्यु हो सकती है, या पानी बरसात का मौसम होता है आने जाने में भी दिक्कत होती है, और साथ में ये भी दिक्कत होती है कि अगर हम वहाँ पर जो है किसी दूसरे के खेत में जा रहे हैं तो उसका भी विरोध का सामना करना पड़ता है, वो अपने खेत में बैठने नहीं देता है, भगा देता है, तो ये तमाम तरीके की दिक्कत हैं जिसकी वजह से जो है शौचालय बनना ज़रूरी है। कुल 62 परिवार हैं जिनको शौचालय की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। शौचालय बनाने के लिए ग्राम पंचायत लेवल पर कई बार प्रयास किया गया, कई बार गांव में गड्ढे भी खोदे गए और कहा गया कि यहाँ आपका शौचालय बनेगा, और इसके अतिरिक्त जो है कई बार हम लोगों ने इसके 2-3 साल पहले एक बार आवेदन भी दिया गया था ग्राम पंचायत लेवल पर, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीच में अभी जो है हम लोगों का जो है आईडी नंबर भी ग्राम पंचायत लेवल पर सबका लिया जा रहा था कि भाई आपके घर घर में शौचालय बनेगा, लेकिन अभी उसका क्या कार्रवाई किया गया अभी हम लोगों को इस विषय में कुछ ग्राम पंचायत लेवल पर बताया नहीं गया है। मैं चाहती हूँ कि इन सभी लोगों के यहाँ शौचालय बने और इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि अभोली ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर है 94-50-18-68-20 पर कॉल कर दबाव बनाए और हमारी मदद करें। मैं केशा देवी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।